नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों, इस साल दो बड़ी एक्शन फिल्में रिलीज होने वाली है। पहली है टॉलीवुड यानी कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, जिस फिल्म का नाम है साहो, और उस फिल्म में नज़र आ रहे हैं बाहुबली स्टार प्रभास। वही दोस्तों दूसरी फिल्म है बॉलीवुड की, जिसका नाम है वार, जिस फिल्म में नज़र आएंगे ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। दोस्तों दोनों ही फिल्मों का टीज़र लाजवाब है और दोनों ही फिल्मों के टीज़र को पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है। और दोस्तों दोनों टीज़र में ख़ास बात यह है कि दोनों फिल्मों की जो मेन थीम है वो है एक्शन। तो दोस्तों अब लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि भैया इस साल यानी 2019 में वार और साहो के बीच में कौन सी फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, और कौन सी फिल्म पहले दिन ज़्यादा कलेक्शन करेगी, और लाइफ टाइम कलेक्शन किस फिल्म का ज़्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इन दोनों फिल्मों के बारे में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों फिल्मों में पहले दिन कौन सी फिल्म ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है और लाइफ टाइम कलेक्शन में कौन सी फिल्म बाजी मारेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और आप किस फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, साहो या वार? अपनी पसंद की फिल्म का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें प्रभास की साहो के बारे में, तो दोस्तों सुजीत के डायरेक्शन में बन रही फिल्म साहो, जिस फिल्म में प्रभास और श्रद्धा कपूर लीडिंग रोल में है। दोस्तों प्रभास बाहुबली के बाद लगभग 2.5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, और दोस्तों फिल्म के टीज़र को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और यहाँ तक कह दिया था कि ये फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। और दोस्तों जिस तरह से टीज़र में एक्शन सिक्वेंस दिखाए गए हैं और जिस तरह से इस फिल्म में VFX का काम हुआ है, उसे देखते हुए लग भी रहा है कि यह फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के प्रेडिक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता दो इस फिल्म का बजट। तो दोस्तों इस फिल्म का टोटल बजट है लगभग 300 करोड़ से 350 करोड़ के बीच में। वही दोस्तों अब अगर बात करें स्क्रीन काउंट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में रिलीज किया जाना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और मलयालम में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन मिलने वाली है, और साउथ एरियाज में तो यह फिल्म धूम मचा देगी। लेकिन वही अगर बात करें हिंदी वर्जन की, तो दोस्तों यह फिल्म हिंदी वर्जन में भी एक बड़े रिकॉर्ड सेट कर सकती थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस फिल्म के साथ में बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में और रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त को साहो के साथ ही साथ बॉलीवुड की मिशन मंगल और बाटला हाउस भी रिलीज हो रही है, जिसके कारण इस फिल्म को जो स्क्रीन मिलना है हिंदी वर्जन में वो काफ़ी कम हो जाएगी। अगर बात करें हिंदी वर्जन स्क्रीन काउंट की, तो दोस्तों हिंदी वर्जन में टोटल स्क्रीन है 5600। अब दोस्तों 5600 स्क्रीन में अगर तीन फिल्में रिलीज होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2000 स्क्रीन तो अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल को ही मिल जाएगी। वही दोस्तों बाटला हाउस को भी मिनिमम 1500 से 1600 स्क्रीन तो मिलना स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों साहो को मिलेगी मुश्किल से 2000 स्क्रीन हिंदी वर्जन में। बात करें साउथ एरिया की, तो दोस्तों साहो को साउथ एरियाज में मिल सकती है 3000 स्क्रीन तक। तो दोस्तों 2000 स्क्रीन नॉर्थ में, 3000 स्क्रीन साउथ में, यानी कि फिल्म रिलीज हो जाएगी लगभग 5000 स्क्रीन में। तो दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट डे प्रेडिक्शन है वो हिंदी वर्जन में रहने वाला है कम से कम 20 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, भले साहो को 2000 स्क्रीन मिलेगी, फिर भी ये फिल्म हिंदी वर्जन में मिनिमम 20 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। वही अगर बात करें तमिल तेलुगु की, तो दोस्तों ये फिल्म तमिल तेलुगु में 40 से 45 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग पहले दिन ले लेगी। तो ओवरऑल घुमा फिरा के देखे जाए तो साहो का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो रहने वाला है ऑल इंडिया में 60 से 65 करोड़ रुपए। अब दोस्तों अगर बात करें लाइफ टाइम कलेक्शन की, तो लाइफ टाइम कलेक्शन पूरी तरह से डिपेंड है वर्ड ऑफ माउथ यानी कि रिव्यूज़ के ऊपर। अगर साहो को अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, तो ये फिल्म हो सकता है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 या 500 करोड़ भी कमा जाए, और बाई चांस अगर इस फिल्म को रिव्यूज़ खराब मिलते हैं, तो हो सकता है कि फिल्म इंडिया में 300 करोड़ तक भी मुश्किल से जा पाए। हालांकि दोस्तों खराब रिव्यू के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट तो हो ही जाएगी। तो अब अगर बात करें वार फिल्म के बारे में, तो दोस्तों वार फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। वही इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी कि ऋतिक रोशन, और उनके साथ में बॉलीवुड के उभरते हुए एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में हमें झेलने को मिलेगी वाणी कपूर। अगर दोस्तों बात
करें हम वार के टीज़र के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का टीज़र एकदम सरप्राइज तरीके से रिलीज किया गया कल। और टीज़र का रिलीज होते ही टीज़र को जो रिस्पॉन्स मिला है वो एकदम फाड़ है। जी हाँ दोस्तों, टीज़र काफ़ी शानदार है और लोगों को ये टीज़र काफ़ी पसंद आ चुका है। और टीज़र के नीचे आप कमेंट बॉक्स में अगर वहाँ के कमेंट पढ़ेंगे तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस फिल्म का टीज़र इस साल का अब तक का बेस्ट टीज़र है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ साहो की एक तरफ तारीफ हो रही थी कि साहो इस साल की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म होने वाली है, लेकिन जैसे ही वार का टीज़र आया उसके बाद कुछ लोग कहने लग गए कि जहाँ टॉलीवुड की तरफ से साहो इस साल की बेस्ट एक्शन फिल्म होगी, उसी तरह बॉलीवुड की तरफ से वार फिल्म इस साल की बेस्ट एक्शन फिल्म होगी। और दोस्तों, वार के सिर्फ एक टीज़र ने मार्केट में वो बस क्रिएट कर दिया है जिसे देखते हुए लग रहा है कि बॉलीवुड की तरफ से इस साल अगर सबसे बड़ी कोई हिट फिल्म हो सकती है तो वो रहेगी वार। आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक बॉलीवुड में सबसे बड़ी हिट है 2019 के अंदर, वो है कबीर सिंह, लेकिन अब लग रहा है कि वार फिल्म है जो कबीर सिंह के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगर बात करें वार के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं फिल्म का बजट अभी क्लियर तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ जानी मानी वेबसाइट कह रही कि वार का बजट लगभग 200 करोड़ के आसपास का है। अब दोस्तों, वार फिल्म रिलीज होगी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को। और दोस्तों, इस फिल्म के साथ भी एक फिल्म का क्लेश होना अभी कहा जा रहा है, जिस फिल्म का नाम है मरजावा। लेकिन अब ऋतिक की फिल्म वार का टीजर देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई फिल्म इस फिल्म के साथ क्लेश करके आत्महत्या करने की कोशिश करेगी। जी हाँ दोस्तों, वार का टीजर जिस तरह से है उसे देखते हुए लग रहा है कि कोई भी फिल्म इसके सामने आएगी तो उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर होना तो कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म देखना होगी और उस फिल्म का नाम है वार। क्योंकि वार फिल्म में बॉलीवुड के 2 बेस्ट एक्शन हीरो और 2 बेस्ट डांसर हीरो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अच्छे एक्शन के लिए जाने जाते हैं, वही उनके जैसा डांस भी बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वार का बस भी काफ़ी भयानक बना हुआ है। अब अगर बात करें वार के स्क्रीन काउंट के बारे में, तो दोस्तों ये तो कन्फर्म है कि अगर वार के साथ में कोई फिल्म बाई चांस क्लेश करती है तो फिर भी वार को हिंदी वर्जन में मिलने वाली है लगभग 3500 स्क्रीन। और अगर बाई चांस क्लेश नहीं होता है, जो कि 99% कन्फर्म है कि क्लेश नहीं होगा, तो दोस्तों अगर क्लेश नहीं होता है तो वार को हिंदी वर्जन में मिलेगी कम से कम 4000 से 4500 स्क्रीन। आपको बता दूं दोस्तों, वार फिल्म को भी तमिल और तेलुगु में डब करके रिलीज किया जाना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब साउथ की फिल्में हिंदी वर्जन में डब होकर रिलीज होती है तो हिंदी ऑडियंस की तरफ से साउथ की फिल्मों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन जब कोई हिंदी फिल्म तमिल और तेलुगु में डब होकर रिलीज होती है तो उनको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, ऋतिक रोशन की फिल्मों को हमेशा से ही साउथ ऑडियंस पसंद करती है और वहाँ पे भी ऋतिक रोशन की फिल्में चलती है। तो दोस्तों, अगर बात करें हम वार के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों वार फिल्म अगर 4500 स्क्रीन पर रिलीज होती है तो पहले दिन इस फिल्म का इंडिया में यानी हिंदी वर्जन में कलेक्शन होने वाला है 40 से 45 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग 40 करोड़ से कम की नहीं ले सकती। वही अगर बात करें तमिल तेलुगु की, तो दोस्तों ये फिल्म अगर तमिल तेलुगु में मिनिमम 15 करोड़ का भी कारोबार कर लेती है तो फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो 55 से 60 करोड़ के बीच में आ सकता है। तो दोस्तों, घुमा फिरा के देखें तो जो फर्स्ट डे इंडिया कलेक्शन है वो साहो और वार का बराबर का होने वाला है। थोड़ा 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन ये समझो दोनों फिल्में पहले दिन एक जैसा ही कलेक्शन करेगी। लेकिन दोस्तों, अब अगर लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो अगर वार को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये बात कन्फर्म है कि ये फिल्म हिंदी वर्जन में ही सिर्फ 300 करोड़ से 350 करोड़ का बिजनेस 100% कर सकती है। वही अगर फिल्म को खराब रिव्यूज भी मिलते हैं तो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ तो कमा लेगी, क्योंकि यहाँ पे ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दो सुपर स्टार का स्टार पावर इस फिल्म को मिल रहा है। जहाँ ऋतिक रोशन के फैन भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ऋतिक रोशन अपने ओरिजिनल अवतार यानी स्टाइलिश एक्शन अवतार में वापस आ रहे हैं। वही दोस्तों, दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ के फैन भी एक्साइटेड है कि टाइगर श्रॉफ भी बागी 2 के बाद एक शानदार एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, जो आम जनता है जो हमेशा से चाहते थे कि बॉलीवुड के 2 बेस्ट एक्शन और डांसर हीरो एक साथ फिल्म में आए, तो दोस्तों यहाँ ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री देखने के लिए आम पब्लिक भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है। तो ये तो कन्फर्म है कि ये दोनों ही फिल्में यानी वार और साहो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। लेकिन देखेंगे अभी ये कि वार बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कलेक्शन करती है या साहो। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से वार और साहो में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर
फिल्म कौन सी होने वाली है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।